नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ आप सबका दोस्त रजनीश शुक्ला और आप लोगों का स्वागत है शुक्ला की चौपाल एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें चर्चा होने जा रही है शादी पर। जी हाँ दोस्तों, शादी में चर्चा के लिए हमने आज बुलाया है गांव के सबसे सेक्सी और हैंडसम लड़के डोरेलाल पांडे को और गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग चचा संकटा चचा को। तो पांडे जी, सबसे पहले आप बताइए आपको किस प्रकार की लड़की चाहिए शादी के लिए। पांडे जी, यू नो गाइस, अब उनका तो एक ही ओपिनियन है, शादी लाइफ में एक बार होती है क्या? एक बार लाइफ में शादी होती है, इसलिए लड़की ऐसी होनी चाहिए जैसे करीना कपूर, मतलब अवकाली लड़की, देखने में एकदम खूबसूरत फंटास। जो साला आप उनके बगल में चले ना तो लोग कहे देखो डोरेलाल पांडे की वाइफ जा रही है, समझा क्या? तो अपन का तो यही मानना है कि शादी में लड़के एकदम अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत, ताकि जब 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 उसको देखा जाए मन हरा हो जाए, समझा क्या? अपन का यही ओपिनियन है। अब चचा देखते हैं क्या बताते हैं, बिकॉज यू नो गाइस, चचा हमेशा हमारे अपोजिट रहता है ना। चचा से ही पूछ लो अब क्या कहता है। भाई शुक्ला जी, चचा से अगला सवाल पूछो। तो चचा, अब मैं जानना चाहता हूँ डोरेलाल पांडे जी की राय सही है या गलत, इस बारे में आप अपना कुछ मत रखिए। चचा, जनता जानना चाहती है। देखिए शुक्ला जी, सबसे पहले तो अपना यही मानना है कि कम से कम लड़की होनी चाहिए। नहीं, आजकल धारा 77 के बारे में तो सुना ही होगा, बड़ा जो है अलग अलग शादियां हो रही है। और रही बात पांडे की, तो पांडे अपने आप को बड़ा खूबसूरत और स्मार्ट बोलते हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसा लगता नहीं है, मतलब हमको तो सबसे एवरेज लगते हैं, मतलब बहुत बुरे भी नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं है। और जो कहते हैं अपने गांव में वर्ल्ड फेमस हैं, तो इनका पड़ोसी भी इनको जानता नहीं है, वो अलग बात है। शुक्ला जी, तुम इनको यूट्यूब पे बुला के फेमस कर दियो, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि लड़की होनी चाहिए, कैसी भी हो, उसकी शक्ल सूरत नहीं देखनी चाहिए, संस्कार देखो, संस्कार देखकर शादी करो, समझे? इन्हीं जैसे लौंडों के चक्कर में थोड़ा कम खूबसूरत लड़कियों की शादी रुक जाती है, 10-15 लोग आते हैं इनके जैसे, कहते हैं लड़की पसंद नहीं, उसके बाद में पूरे मोहल्ले में पूरे इलाके में हल्ला उड़ जाता है कि कुछ न कुछ कमी है लड़की, फिर बेचारी जिंदगी भर कुंवारी रह जाती है। इसका पूरा का पूरा दोष हम इस ढोड़वा देना चाहिए, क्योंकि ढोड़वा बहुत कंतरी आदमी है, हमरे तो दिमाग से बाहर है, हमका तो पसंद नहीं आवा बिल्कुल। ए चचा, बहुत हो गया क्या? अभी दिमाग नहीं खराब करने का मेरा, उनका नाम डोरेलाल पांडे है क्या? बस बहुत हुआ ना, बस चुप चुप। देखिए पांडे जी, चचा की इज्जत करिए, वो आपसे बड़े हैं। देखिए यहाँ पर YouTube वीडियो की शूटिंग चल रही है, आप लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये गलत बात है, आप माफी मांगिए चचा से, माफी मांगिए। ठीक है शुक्ला जी, तुम कहते हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ। चचा अपुन को माफ कर दो अगर अपुन से कोई भूल चूक हो गई है, लेकिन ये मत समझना कि अपुन डरता है, अपुन इज्जत करता है, इसलिए माफी मांग रहा है। चचा चचा माफ कर देना मुझे। चचा जाओ ना, माफ कर भाई, का कर ले आओ, मतलब तुम करियो का बताओ। देखिए चचा, पांडे जी आपसे माफी मांग रहे हैं, आपको माफ करना पड़ेगा चचा, ये गलत बात है। बताइए गांव का एक युवा जिसके अंदर जोश है, वो आपसे माफी मांग रहा है, आप माफ नहीं कर रहे हैं, गलत बात है, माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए। देखिए शुक्ला, अगर ऐसी बकवास चचा करते रहे ना तो अपुन दोबारा तेरे शो पे नहीं आएगा क्या? अपुन की भी इज्जत है, अपुन इस गांव में वर्ल्ड फेमस है, पिछले शो में बोला था ना इस गांव में वर्ल्ड फेमस है, लेकिन ये चचा बुड्ढा इसका खोपड़ी खाली है क्या? चचा को समझा लो वरना अगले शो में मैं नहीं आऊंगा, अंडरस्टैंड रजनीश शुक्ला। देखिए पांडे जी, ऐसा ना करिए यार, शुक्ला की चौपाल की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें सबसे फेवरेट करेक्टर आप ही हैं यार, दर्शकों के भर भर के कमेंट आते हैं कि माय फेवरेट करेक्टर इज डोरेलाल पांडे, क्यों दर्शकों सही कहा? देखिए चचा कुछ कह रहे हैं यार पांडे जी, बात मान लो, पिछले शो में जब आए थे तो हमको मारे भी थे, लेकिन यार अगर पांडे जी हमारे शो से चले गए, अगले एपिसोड पे नहीं आए, तो समझ लो
कि लतियाएंगे बहुत, चचा भतीजे का जो है रिश्ता भूल जाएंगे, टेम्पर हमारा हाई हो गया है। मतलब यार एक बंदा माफी मांग रहा है और तुम जो है अपने आप को बहुत बड़े नेता समझ रहे हो। माफ करो चुपचाप, नहीं है 200 से निकाल देखेंगे तुमको, बने आए हैं चचा। माफी चाहूंगा दर्शकों, हमारे शो में ऐसे झगड़ा होने लगा, लेकिन मैं इस सब मुद्दे को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से डोरेलाल पांडे जी की तरफ चलता हूँ। तो पांडे जी बताइए, क्या शादी में दहेज लेना उचित है या नहीं? पांडे जी अपनी राय दीजिए, क्या शादी में दहेज लेना उचित है या नहीं? क्या आप दहेज लेंगे या नहीं, क्योंकि आपकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। देखिए दर्शकों, वैसे तो अपन गुंडा है गुंडों के लिए, अच्छा है अच्छों के लिए, लेकिन एक बात अपन मानता है कि दहेज प्रथा एक बीमारी है। ये शुक्ला ने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था, क्या दहेज प्रथा एक बीमारी। अपन दहेज नहीं लेगा, अभी अपन की शादी नहीं हुई, अपन दहेज नहीं लेगा। एक बात जहन में बैठा लो खोपड़ी में, दुल्हन ही दहेज है। अबे वो जो कर देगी ना, तो वो दहेज कभी नहीं कर पाएगा। एक औरत चाहे तो 2 मिनट में अमीर को सड़क पे ला सकती है, और एक औरत चाहे तो एक गरीब को अंबानी बना सकती है। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, लेकिन अपुन को पता है चचा अपुन के अपोजिट बोलेगा। बोल चचा। बक देखो भैया, हम एक बात बताई, अपने लड़के को ब्याह किया रहा है, पूरे 10 लाख रुपया दहेज लिया रहा है, और साथ में मोटरसाइकिलो लिया रहा है। दहेज तो देखो ले चाहिए, क्योंकि अगर तुम दहेज न ले हो और अपनी बिटिए करे जी हो ठीक, तो वही तो दहेज मंगवे करिए। तो जब खुद दहेज दिया हो तो दूसरे से ले आओ। और एक बात बताई शुक्ला जी, पांडे तुम बुरा न मानो, अगर दहेज वहेज ना मिला थे ना, तो 4 गांव में बेइज्जती होती है, कहे कि अरे उनका कुल खानदान नहीं निक रहा है, तब है वो दहेज नहीं पाए। मतलब मैं खड़ी भाषा भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है, तो क्या है कि दहेज अगर नहीं मिलता तो घोर अपमान हो जाता है, बड़ी बेइज्जती होती है भैया। इसलिए भैया मैं तो दहेज लूंगा और दहेज दूंगा भी, मैं दहेज के सपोर्ट में हूँ, हम दहेज का विरोध नहीं करेंगे। कारण क्या है आप लोगों को पता चल गया। देगा दर्शकों, अब उनको पता था ये मुंह खोलेगा तो हगेगा। अबे दहेज लेने के पक्ष में है ये बुड्ढा, सड़िया गया है सड़िया गया। शुक्ला यार इसको समझा के अगले बार बुलाना, वरना अब उनकी खोपड़ी खाली हुई ना, तो अब उन दोबारा माफी नहीं मांगेगा, इसको इधर धो डालेगा। क्या चुप रहो पाड़े, बहुत लिहाज किहन कि भतीजा मारे लागत तो ले चुटियों खुली गई हमारी है, दिमाग खराब किए हैं यार। बंद करो शुक्ला जी, फिर खुल गई यार, यही सब होता है बताओ। ए शुक्ला, तुम चुटिया खुली है यू सब काट दियो, पता सीन जो है काट देना। माफी चाहूंगा दर्शकों, क्योंकि जैसे ही मैं कोई सवाल पूछता हूँ, सवाल के अंत में चचा और पांडे जी में होने लगता है झगड़ा, इसलिए इस शो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बस आप लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसे ही दमदार वीडियो आती रहेंगी, और आप लोग कमेंट में सजेस्ट करिए कि किस बात पर चर्चा मैं अगले वीडियो में शुक्ला की चौपाल के अगले शो में लेकर के आऊं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूं, जय हिंद।